अंग्रेज सरकार की जानिब से पाकिस्तान की तरह सिंध में भी नहरी निज़ाम बनाया गया और गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करने के लिए नहरें बनाई गई। सांगड़ में भी लाखों एकड़ जरिए ज़मीनों को आबाद करने के लिए नहरी निज़ाम बनाया गया। सक्कर कैनाल से नारा कैनाल निकाली गई जो सांगड़ के लाखों एकड़ जरिए ज़मीन को आबाद करने के बाद फर्श के मकाम पर दो मुख्तलिफ कैनालों में तब्दील होकर उमरकोट की लाखों एकड़ ज़मीनों को आबाद करने के साथ साथ इंसानों और जानवरों को पीने का पानी भी फराहम करती है। नारा कैनाल जिस पर इस वक्त सिंध सरकार की जानिब से एक ट्रैक्टर, एक इंजीनियर, 3 SDO, बेशुमार दरोगे और इस कैनाल के पुख्तों को मजबूत बनाने के लिए वर्कर्स और मशीनरी और कैनाल की सफाई के लिए करोड़ों रुपये फराहम किए जाते हैं, मगर नारा कैनाल को मुख्तलिफ मकाम पर साल में 4 बार शगाफ जरूर पड़ता है। नहीं, ये जो पॉइंट है इस जगह पे पहले भी कोई हिस्ट्री है इधर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बराबर में ही आप देख रहे हैं कि रियल लाइन नारा नया बन रहा है जो कि 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा और इंशाल्लाह उसका फ्लो भी 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके 280 RD से खिप्रोवियर तक यहाँ नए नारा से पानी चलेगा, क्योंकि पुराना नारा जो है वाकई उसकी कुछ पोजीशन ऐसी है कि हम ज़्यादा पानी उसमें उठा नहीं सकते, वो अपनी डिज़ाइन डिस्चार्ज नहीं ले सकता पा रहा। और आपने देखा होगा कि जो भी ये रात को एक छोटा सा शिगाफ जो पड़ा है, लेकिन वो तकरीबन 6-8 घंटों में ही फिल कर दिया गया है और बिल्कुल वो सही हो गया है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नहीं, पानी तो जितना देखें ये उमरकोट और फील बंद तक जाता है ये सिस्टम, तो पानी तो इसमें चलाना पड़ता है जिसमें 24 घंटे इसकी वॉच भी होती है, लेकिन बहरहाल मिट्टी और पानी में ये कहीं से कोई रेट होल होता है, क्योंकि 15 जून तक तो सिस्टम में पानी भी कम था, 15 जून के बाद ही आया है पानी जो हमने यहाँ लेना शुरू किया है कैनाल में। तो अब उस पर और भी नज़रदारी ज़्यादा सख्त रखी जाएगी और जब तक ये नया नारा भी इंशाल्लाह चलना शुरू हो। इस वक्त जो एक्चुअली ये पूरा पानी जितना इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो उठा ही नहीं पा रहा है, तो उसी वजह से नया रियल लाइन नारा बना है। नहीं, वो तो कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उमरकोट के लिए वो कम, उससे पानी कम है, लेकिन जैसा कि अनसोक्ड होता है और नया पानी आया है 15 जून के बाद, जैसे जैसे पानी मिलना शुरू हुआ है सिस्टम में सखर बैराज से हमारे को, तो हम उसमें आस्ते आस्ते करके वो पानी लेते जा रहे हैं और इंशाल्लाह अब बेहतरी रहेगी। अभी तो 3 महीने 12 महीने हो गए हैं। अच्छा। मुझे ये 12-14 महीने इधर हुए हैं। हाँ। 12-14 महीने के बाद ये हुआ है। हाँ। इससे पहले 2-3 हुए, हमने खाटी भी कराई, उससे एक बड़ा फर्क पिया, घरे बारे बंद में टेलों तक पानी पहुंच रहा है। अच्छा। ये मिट्टी और पानी का मसला है, ये जो बता रहा हूँ आपको, जो उसी वजह से मिट्टी पानी की जंग है, वो कुदरती कहीं से रोड़ होती है, कुएँ का होता है, कोई भी होता है, और हम 4 घंटे में घरा बंद कर दिया है, हमारे पहली लैंड में पानी गया, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, हमारे पहली लैंड में किसी गांव में किसी को नुकसान में 4 घंटे, वो तो मिशन वालों को उनको पता होगा, हमारे पास हम तो बैठे हमारे पास है। थोड़ा है कुओं के हैं कुछ हैं, नुकसान तो अभी होने वाला हो गया, अभी क्या करेंगे, पानी नहीं है इतना ज़्यादा, को ज़मीनों को भी नुकसान नहीं होता, यही हमारी पहियों में ही पानी जाता है, थोड़ा बहुत है, जल्दी आप देख लो आपको है ना प्लग हो गया, भर करने का फायदा किसको होगा, किसी को फायदा नहीं है, देख रहे हो आपको किसी को फायदा है, नुकसान है ना थोड़ा बहुत, नहीं किसी को फायदा नहीं, मेरे जैसों को कोई आप नहीं, किसी को फायदा लोगों को किसी को भी फायदा नहीं है, मशीनरी तो अभी ज्यादा नहीं है पर नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। एक बंद में कम 10 लाख रुपया खर्चा जाता है? नहीं 10 लाख है, गई 1.5 लाख का काम है। हाँ, ये आज ही अभी 2 घंटे में भर के हम चले जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ये नया नारा मिल जाएगा ना, इसके साथ ही वो ये पुराना नया मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। हर बार इंतजामिया का एक ही जवाब होता है, चूहों की वजह से शगा पड़ा है। क्या नारा कैनाल में रहने वाले चूहे इस कदर पावरफुल हैं जो साल में 3 बार इस कैनाल में शगाफ दूर डाल देते हैं? सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आदत पानी कमी पर इत्तेजाज करती है, कैनालों में ताकतवर चूहों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पानी की कमी भी दूर हो सकती है। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी।